तुम्हारी फ्रेंड लाइबा जब दफ्तर जाती है तो हारिब को कौन संभालता है? पलक भाग। पलक भाभी संभालती है हारिब को। लाइबा तुम आ गई? क्या तुम जानती थी कि इस इन्होंने यहाँ आना है? मैंने कहा था इसे कि मुझे रोहान से अकेले में मिलना है। आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे तो खुशी हुई है। लेकिन माथे का पसीना तो कुछ और ही कह रहा। रोहान, तुम भाईजान से मिलने पर भी इतना नर्वस नहीं थे, लाइबा के सामने बड़े पसीने छूट रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बस अब एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रहे शरीफ? मैं कहीं। क्या अब भी कहोगे कि तुम शेरी नहीं रोहान? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था। हाँ, कहा था कि दुनिया में एक ही शक्ल के सात लोग होते, मगर उनकी हूबहू शक्ल आवाज तुमसे कैसे मिल सकती है? मैं आपसे क्यों धोखा दे रहे हो, खुद को, मुझे और दादी को भी, जिनसे तुम इतना प्यार करते हो। कितने अरसे बाद कोई अपना मिला और वो भी अपना नहीं रहा। शेरी, मैं तुम्हारी खुशी की रुकावट नहीं बनू, बस मुझे मेरा वो दोस्त चाहिए। बस एक बार कह दो कि तुम मेरे वही दोस्त हो जो मेरी खुशी के खातिर, मेरी इज्जत की खातिर मुझसे दूर है। शेर, लाइबा, मैं जानता हूँ आप मीरा की दोस्त हैं और इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आओ मीरा, किसका फोन था? आप फ्रेंड। ओके, लेकिन मैंने तुम्हारी फ्रेंड को बिल्कुल बोर होने नहीं दिया। पूछ लो। शक्ल से तो नहीं लग रहा। इज एवरीथिंग ऑलराइट? या, परफेक्टली ऑलराइट। मैं जा रही हूँ। अब लाइबा, ना चाय ना कॉफी, कुछ खाओ। चॉकलेट आइसक्रीम। तुम्हें कैसे पता लाइबा को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है? वो मुझे कैसे पता होगा, चॉकलेट तो तुम्हें पसंद है ना, तो दैट वाज फॉर यू। ओह या, मैं लेकर आऊं। ओके। मीना रहान से मिलके आ रही हो और वो भी मेरे बगैर, दिस इज नॉट फेयर। अगर तुम मुझे भी बता देती तो मैं भी पहुंच जाता। वो तुमने सुना नहीं, कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। क्या? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वैसे कैसा लगा रोहान? मेरे ख्याल में दे बोथ लुक रियली गुड टुगेदर, है ना?
I don't know, यार. मैंने लाइबा से पूछा कि तुम्हें रोहान कैसा लगा. फिर क्या कहा लाइबा ने? मैं कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना पसंद करूंगी जो किसी को बुरी लगे. तुम इतनी गुमसुम क्यों? खुद ही तो बोलती हो कि मैं बहुत बोलता हूँ. आज अगर सीरियस हो तो वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तुम हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो, मुझे तंग करते अच्छे लगते हो. घर चले. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? किसी की याद आ रही है? मैं जिसे याद रखे हुए था, सोचा वो शख्स मुझे भूल चुका होगा. लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, जिसे हम बहुत ज्यादा याद करते हैं ना, वो भी हमें उस वक्त उतना ही याद कर रहा होता है. और याद दिल को दिल से और रूह को रूह से मिला देती है रोहान. That's nice. चलो फिर मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ. ओके? चलो. लेकिन भाभी, आपको ऐसा नहीं लगा लाइबा दादी और रोहान के बीच में कोई ताल्लुक है? जिस तरह उन्होंने उसको देखकर शेरी कहा. सिर्फ चाय.